अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बातचीत में आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल नए एपिसोड के साथ हाजिर है। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहिब। इससे पहले भी हमारे साथ गुफ्तगू हुई है डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहिब की, जो कि फाउंडर हैं पाक ब्रिटिश आर्ट्स के। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम दोबारा उनके पास हाजिर हैं, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे। इस वक्त उन्होंने अदबी मेला सजाया हुआ है पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में, जो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पे जो आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद है, पंजाब आर्ट काउंसिल है, वहाँ पर मेला सजाया हुआ है, अदबी मेला जो 7 दिन और 7 प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल है। इसमें अवार्ड शो है, इसमें मुशायरा है, पंजाबी मुशायरा, उर्दू मुशायरा, इसके अलावा म्यूजिकल प्रोग्राम है। तो इन प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं, देकर इनकी फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। फैसलाबाद के जो शहरी हैं, फैसलाबाद के जो लोग हैं, अदीब हैं, कलमकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके रवैया के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं आपने दोबारा से वक्त दिया और एक मरतबा फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं TV 99 पे, तो आपका बहुत शुक्रिया। तो कैसे मिजाज हैं आपके? जी बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपका TV 99 का कि उन्होंने मुझे दोबारा याद कर लिया। मैं हाज़िर हूँ जी हरदम जब आप बुलाएं। तो जहाँ तक मेले की बात है, मेला हमने यकजहती के फ़रोग के लिए, इत्तेफाक इत्तेहाद के लिए ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, बड़ा खूबसूरत लगा है मुझे मेला जो है, उसके बारे में हम बात करते हैं गपशप और देगर भी क्वेश्चन जो है वो इसमें शामिल करेंगे। आपने मेला सजाया, मेले का आज दूसरा दिन है, आपको फैसलाबाद के लोगों का रवैया कैसा लगा है? पहले दिन में आपने मुशायरा करवाया, मुशायरा में मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी आपके साथ शरीक थे, फैसलाबाद के लोगों ने आपके साथ कैसे ताबुन किया, इनका रवैया कैसा है? जी ये मैं समझता हूँ फैसलाबाद के लोग जो है ना, बड़े दिल के बड़े अमीर हैं और बड़ी अच्छी अदबी सरगर्मियाँ हो रही हैं। और पाक ब्रिटिश आर्ट्स ने उस सरगर्मियों के फ्लो में तेजी लाने की कोशिश की है जी। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई खुदा न खास्ता अगर कोई हमारे साथ इख्तलाफ भी रख गया हो, किसी का रवैया ठीक ना भी हो, तो मेरा ख्याल है वक्ती है, वो आएगा पलटेगा, क्योंकि हमारी कॉज जो है इंतहाई पॉजिटिव है। बिल्कुल, और हम जो है ना एक अपना सराते मुस्तकीम, एक मरकज हमने सेट किया हुआ है, हम उसकी तरफ गामजन है जी। हमें रास्ते की आवाजों से कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता जी। वो कहते हैं ना कि इश्का मुश्का ते दरियावा कौन छुपावे डके, वाह। तो हमारा काम जो है ना, ये खुशबू है, ये फैलेगी, ये नहीं रुक सकती। तो इख्तलाफात तो चलेंगे, इख्तलाफात चलने से परवाज जो है ना ऊंची हो जाती है, उड़ान बढ़ती है। तो इसके बावजूद भी कोई इतनी ज्यादा बड़ी मुखालफत नहीं है। मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद एक इल्म और अदब का गहवारा है और पाकिस्तान को लीड कर रहा है, सिर्फ उसको हमें हाईलाइट करना है, हमें दिखाना है कि फैसलाबाद में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं कि जिनको मंजर आम पे लाया जाए, तो आप उर्दू अदब के लिए, फिर मौसीकी के लिए, फिर दूसरी जो फनून लतीफ़ा के दूसरी जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स में आपको नज़र आएगा कि फैसलाबाद नुमाया। नुसरत फतेह अली खान म्यूजिक में ये जहाँ बैठे हैं, ये एडिटोरियम उनके नाम पे है। तो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद बहुत एनरिच है, अल्लाह ताला ने इसको बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल, सिर्फ हमको हाईलाइट करना है। ये हर फैसलाबाद में रहने वाले बंदे का फर्ज है कि इसको हम अपना मिशन बनाएं, लोगों को बताएं कि सिर्फ यहाँ पे मजाक ही नहीं होते, सिर्फ जोक्स ही नहीं होते, इधर बड़े क्वालिटी पर्सन रहते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने पूरी दुनिया में जाके फैसलाबाद का, पाकिस्तान का, आलम इस्लाम का नाम रोशन किया है जी। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर साहब आपके साथ मैं इस तरह से लेके आऊंगा। अब आपने कल का प्रोग्राम करवाया, अवार्ड शो था, उसमें कोई 4 लोगों को अवार्ड्स आपने दिए हैं, फैसलाबाद के वो लोग थे। क्या क्राइटेरिया था उस अवार्ड शो का, जिसमें आपने किस तरह से, मतलब किस मेरिट पे जजमेंट की है और उनको अवार्ड्स दिए हैं? जी बड़ा सवाल है जी। हमने सिर्फ 4 अवार्ड नहीं दिए पहले नंबर पे जी, हमने कल 14 अवार्ड दिए जी। पहले 10 अवार्ड दिए हैं हमने, जिन्होंने दस्तरखान PBA में पाकिस्तान में फ्री खाना तकसीम करने में पाक ब्रिटिश आर्ट्स की मावनत की जी, फ्री ऑफ चार्ज की, अल्लाह की रजा के लिए, खिदमत खल्क के लिए की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने 10 उन बच्चों को भी अपने साथ लगाया, पहले उनको दिए,
उसके बाद फिर हम जो है ना इन सीनियर्स की तरफ आए। ये चार लेजेंड है मैं समझता हूँ फैसलाबाद के जी, और भी हैं, ये नहीं कि यहाँ पे ख़त्म हो गया या हमने उनमें से ये निकाल लिए बाकी जो वो ये उनसे बेहतर हैं, ये वो मुआवजे को छोड़ दें आप। मैं हमने हमारी एक एडमिन बॉडी है जिसमें 12 एडमिन डायरेक्टर हैं, उनमें से एक मैं हूँ जी। मेरी राय का एक 12वां हिस्सा है, जिधर 7 डायरेक्टर जिधर जाते हैं फैसला वो होता है। तो हमने 10 अफराद की लिस्ट दी थी फैसलाबाद से, तो उन्होंने हर पहलू से डिस्कस किया। जैसे नुसरत सिद्दीकी साहब को एक मिला, एक नईम साकब साहब को, एक रियाज अहमद परवाज साहब को, एक अशरफ अशरी साहब को। तो हम ये चाह रहे थे कि ये क्योंकि फैसलाबाद में दिया जा रहा है तो इसलिए जिन्होंने फैसलाबाद के लिए काम किया उनको फोकियत दें। फिर यह भी था कि जिनको इग्नोर किया जा रहा है, जिनको मीडिया इग्नोर कर रहा है, जिनको अदबी तंजीमें इतना नहीं हाईलाइट कर रही, जो जिन्होंने काम किया और खामोश हैं जी। तो हमने बहुत सारी चीजों को मिक्स करके ना फिर हमने फाइनल किया पूरी एडमन बॉडी ने कि यार इन चार को अभी देते हैं, ये पहली सीढ़ी है जी, इसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर चार को देंगे जी। तो हम हर वो बंदा सिर्फ शायर नहीं, बाकी भी नसर भी बिल्कुल, फिर म्यूजिक भी, फिर इवन के साफी भी, सबको जिन्होंने काम किया है हम चार चार करके सबको देंगे, साथ में इंशाल्लाह उनको माली मुआवनत भी मिलेगी। तो ये फैसलाबाद में, फैसलाबाद प्रायोरिटी में रखा है मैंने, मैं यहाँ से हूँ इस वजह से, बाकी शहरों में भी जाएंगे, पूरे पाकिस्तान में देंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसका क्राइटेरिया ये हमारा अपना एक सेट है जी, हमारा एक अपना सेटअप है जिसमें हमने, हमारी टीम ने डिसाइड किया। इस पर आप एतराज कर सकते हैं, आपको राइट है, इस पे आप हमें पूरी तरह क्रिटिसाइज करें, हमें खुशी होगी जी, लेकिन हमारी टीम इस पे सेटिस्फाइड थी। इसका मतलब है कि आप प्रोग्राम में ये नहीं बताना चाह रहे कि वो उसके मेरिट्स क्या हैं? नहीं, मेरिट्स हैं, इन्होंने मेरिट्स हैं, इन्होंने फैसलाबाद के लिए काम किया, इन्होंने अदब के लिए, उर्दू अदब के लिए काम किया, इन्होंने सहाफत के लिए काम किया, इन्होंने नसर के लिए काम किया, ये मेरिट्स हैं बिल्कुल। ये मेरिट्स पूरे होने के बाद फिर और अजाफी चीजें हैं कि अगर ये हाईलाइट नहीं हुए या नहीं किया गया, या ये मंजरे आम पे कम आए हैं या नहीं आए, या इनको लोग कम जानते हैं या नहीं जानते, ये भी प्रायोरिटी थी बिल्कुल। इसको साथ मिला के फिर अवार्ड दिया। तो पाक ब्रिटिश आर्ट्स की ये जो आपने लास्ट मेरिट बताया, ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा कि जिसको कभी भी मंजरे आम पे नहीं लाया गया, या उसको जगह नहीं मिली, या उसकी जगह बनी नहीं, या किसी तरीके से भी उसको ना मतलब उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया, तो पाक ब्रिटिश आर्ट्स ने उनको प्रमोट करने की कोशिश की। एक बात मैं आपको कहूंगा कि ये अवार्ड जिन्होंने विन किए इनसे हट के एक और बात है कि मैं पिछले 3-4 दिन से कुछ 2-4 महफिलों में बैठा हूँ, और दो तीन ऐसे सीनियर्स हैं जिनको देख के मुझे इतना दुख हो रहा था कि 5-6 अफराद बैठे हैं, उनको एक बंदे को इग्नोर किया जा रहा है, और वो एक लर्नड बंदा है, उसने काम किया है उर्दू अदब के लिए, फैसलाबाद के लिए। सारे जो न्यू कमर्स हैं वो बता रहे हैं ये हो गया वो हो गया, तो सीनियर को नहीं मान रहे। तो हम अगले अवार्ड में सबसे पहले, मैं भी नाम नहीं लूंगा, सबसे पहला नाम उनका होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो एक और चीज, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में इस वक्त पंजाब आर्ट काउंसिल में है इसका नाम, मतलब इसको पंजाब आर्ट काउंसिल बना दिया गया, उससे पहले फैसलाबाद आर्ट काउंसिल था। ये अरसा दराज से इल्म व अदब का गहवारा है, यहाँ पे फ़नून लतीफ़ा के बारे में काम होते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ जैसे कैलीग्राफी की के मुकाबले होते हैं, आर्ट गैलरी होती है, उसके अलावा शायरी है, नसर है, उसको प्रमोट किया जाता है, गायकी को प्रमोट किया जाता है, ये ड्रामास होते हैं। तो फैसलाबाद आर्ट काउंसिल का रवैया जो है आपके साथ कैसा है? देखिए जी, हो सकता है किसी के साथ इख्तलाफात हो, हमने पाक ब्रिटिश आर्ट्स ने, मैंने क्या, सब ने माशाल्लाह मिलके पाक ब्रिटिश आर्ट्स का जो दस्तरखान शुरू किया हुआ है खाना सबके लिए इधर सरगोधा रोड पे, उधर खुद डायरेक्टर साहब जो हैं उन्होंने फ़ोन किया कि जी मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ, वो खुद आए, फिर उन्होंने हमें इधर इन्वाइट किया आर्ट काउंसिल में, फिर उन्होंने कहा जी आप करें प्रोग्राम, तो हमने कहा जी हमें तो मेला से जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी वेलकम, आप बड़ा हॉल लें, फ्री लें, ये करें वो करें, आप आपका है जैसे करें। तो हमारे साथ तो बड़ा कोऑपरेट किया है, तो अभी हमने कल किया, प्रोग्राम भी लेट चलता रहा है,
कोई नहीं उसमें, हमने हमने पे भी कुछ नहीं किया इनको जी। तो वैसे वो पता नहीं कुछ चार्ज करते हैं इसका। जो प्रोग्राम प्राइवेटली होते हैं उनके चार्जेस होते हैं, और जो फनून लतीफा के होते हैं जैसे कि ये चल रहे हैं तो उसको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और पंजाब आर्ट काउंसिल की तरफ से उसको प्रमोट किया जाता है। ये तो हर राइटर का राइट है कि उसको जगह मिले। तो लेकिन जैसे आपने बताया कि टाइमली प्रोग्राम नहीं शुरू हो सका, कुछ लेट भी हुआ, कुछ तखीर हुई उसमें, या लोग जो हैं वो वक्त पे नहीं पहुंच सके, या कुछ किसी भी तरह से कोई तखीर हुई है, या प्रोग्राम ज़्यादा चलता रहा, तो उस ऐसा जो है ये मतलब अच्छा रवैया, अच्छा माहौल है और प्रोग्राम जो है बहुत खूबी सर अंजाम दिया गया है। आपके जो प्रोग्राम्स हैं इस मेला में कौन कौन से प्रोग्राम हैं और किस किस दिन के हैं? सर पहला प्रोग्राम हमारा अवार्ड्स का था जो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर दूसरा कुल पाकिस्तान मुशायरा है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग शामिल हो रहे हैं जी। और फिर उसके बाद दो किताबों की रूनमाई है जी। फिर उसमें एक कराची से हैं नईद अजमी साहबा, उनकी एक बहावल नगर से हैं सगीर तबस्सम साहब, उनकी पंजाबी की किताब है। फिर एक पंजाबी मुशायरा रखा है हमने बड़ा ग्रैंड। फिर आखिर में म्यूजिकल इवनिंग रखी है जिसमें मुख्तलिफ गुलुकार्स हैं जो गाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमने एक कोशिश की है कि एक वीक में कुछ चीजें मिक्स करके गुलदस्ता सजाएं। बड़ा खूबसूरत। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारा प्लान जो अगला मेला सजाने का है ना, आज हम डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट ईयर जो हमने इंशाल्लाह अगला मेला सजाना है जी, वो मेला इस तरह हॉल्स में नहीं होगा, वो हम ग्राउंड में करेंगे जनरल पब्लिक में जी। उसमें शायरी वगैरह भी थोड़ी एक टच होगा, कुछ नसर का करेंगे, लेकिन हम स्पेशली चाह रहे हैं कि हम पंजाब की खेलों को लेके आए जिसमें कबड्डी स्पोर्ट्स में और जिसमें ये कुश्तियां भी हों, जिसमें बेंटे भी हों, जिसमें गुल्ली डंडा भी हो, सारी पंजाब की गेमें खेलें। अच्छा, और बेंटे भी होंगे। सात दिन की सारी गेमों की लिस्ट बने, सारे प्लेयर्स जो हैं, हीर वारस शाह से हम वारस शाह की गेमें निकालें जो हमने उधर बयान की है, वाह वाह, वो भी हम सारी उसमें डालें। तो इंशाल्लाह अगला मेला ये होगा। ठीक है, अगला मेला जो है उसमें स्पोर्ट्स को शामिल किया जाएगा और वो स्पोर्ट्स जो है वो कल्चरल गेम्स होंगी, यहाँ की जो सकाफती है जी, जी, पंजाब की जो सकाफत है उसको उजागर करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट हमारा पंजाबी का दिन आ रहा है जो मतलब माँ बोली दिहाड़ के नाम से हम उसको जानते हैं, 21 फरवरी को आ रहा है, तो उसके बारे में क्या प्लानिंग है पग ब्रिटिश आर्ट्स की? जी इंशाल्लाह एज यूजल पहले भी जैसे हम कंपेन करते हैं वैसे कंपेन तो करेंगे जी, लेकिन हम इसमें स्पेशल अनाउंसमेंट्स पंजाब के लिए, पंजाबी जुबान के लिए करेंगे, क्योंकि हमारा एक सिलसिला है कि हम यहाँ की जो पाकिस्तान में किताबें पब्लिश होती हैं उर्दू में, हम उनको इंग्लिश में और स्पेनिश में, जर्मन और इटालियन वगैरह में करते हैं, बल्कि रशियन में भी कुछ किताबें हुई हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम उन किताबों को जब इधर पाकिस्तान में लाते हैं तो हम उसको इंग्लिश में करते हैं, रशियन को, फ्रेंच को, तो मेरी ख्वाहिश है कि अगर हम उनको पंजाबी में लाएं, उनको ट्रांसलेट पंजाबी में करें तो कुछ ऐसा कोई एक मुख्तलिफ हो जाए, हाँ, डिफरेंट, क्योंकि हमने हमेशा कोशिश की है कि कोई नई चीज लाएं जो जिसको हम इग्नोर कर चुके हैं पीछे। मैं समझता हूँ कि हमें उर्दू के साथ साथ पंजाबी को जोड़ना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, अगर पंजाबी के साथ हम जुड़ जाएंगे ना, बहुत सारी बातें हैं जो दिल की बातें हैं वो पंजाबी में कहकर जो सुकून मिलता है उर्दू में। बिल्कुल, हम उर्दू में तो प्यार की बातें हम करते ही हैं, हमारी कौमी जुबान है, बाकी जैसे दूसरी जुबानों को देखें तो इंग्लिश में वो हम इजी नहीं होते, फ्रेंच में और कम इजी हो जाते हैं, इटालियन स्पेनिश में और कम इजी हो जाते हैं, रशियन में मैं ठीक हूँ वैसे तो ये इस तरह की चीजें हैं कि लैंग्वेजेस में फर्क पड़ता है। बिल्कुल, तो पंजाबी बहरहाल हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली हमें लोरी भी पंजाबी में मिली सबको। बिल्कुल, तो पंजाबी के साथ बड़ा जरूरी है टच होना। ये बिल्कुल ठीक बात है, पंजाबी जो है ये माँ बोली है, हमारी धरती की जुबान है, पंजाबी फीलिंग पंजाबी में है, खा पंजाबी में आते हैं, गुस्सा पंजाबी में आता है, ये सब कुछ जो है उसका ताल्लुक पंजाबी के साथ है। एक चीज मैंने देखी है ये सारे अदबी मेले में, एक चीज मिसिंग है, आपने शायद महसूस नहीं किया, इसमें अगर कोई कल्चरल ड्रामा होता तो कैसा रहना था? पता क्या जी, हमारा प्रोग्राम नहीं था मेला करने का। हाँ जी, हमारा प्रोग्राम था अदबी काफिला निकालने का, कि हमने हर शहर में जाना था पूरे पाकिस्तान में, तो
क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मैंने रिसेंटली ऑपरेट कराया, इस वजह से डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं ट्रेवल ना करूं जी। तो हमने फटाफट अनाउंस किया, तो फिर जो रह गया फिर रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका मशवरा लेंगे हम, उसमें और चीजें लाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये अच्छी बात है अगर आप इसमें ड्रामा भी हम शामिल करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश ऐसी है कि अगर इसमें कोई स्टूडेंट्स के प्रोग्राम शामिल कर लिए जाएं, जैसे आपने बताया स्पोर्ट्स को शामिल किया जाए। स्पोर्ट्स हमने हम इंशाल्लाह आपके साथ अभी बात हो रही थी, हम पाक ब्रिटिश आर्ट्स और पैगंबर मिलके ये सारे काम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ड्रामे का भी करेंगे, बाकी आप जो स्टेज हम आपको याद हो पिछले साल हमने पैगंबर के साथ मिलके एक डांस प्रोग्राम भी किया, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया था वो पैगंबर और पाक ब्रिटिश आर्ट्स का जो मुश्तरक प्रोग्राम था उसमें बड़ा खूबसूरत एक उसमें डांस, उसमें म्यूजिक और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट थी। नेक्स्ट एक दो वीक में दोबारा इस तरह का प्रोग्राम आ रहा है इंशाल्लाह, वो भी नाजरीन तक पहुंचाएंगे। तो नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन है, अभी आपने बताया पंजाबी के बारे में बताया, स्पोर्ट्स के बारे में बताया, तो आपको लगता है कि इस तरह मतलब लोग जो हैं वो पंजाबी कल्चर की तरफ आएंगे, मतलब स्पोर्ट्स जैसे आपने बताया कि वो लेके आए वारिस शाह की हीट से जो खेले हैं उनको निकाल के लेके आए, अगर उनको निकाल के ले आते हैं और यहाँ पे लोगों को खेलनी नहीं आती तो? नहीं नहीं आएंगे आएंगे, वो पंजाबी में कहते हैं चूर पूर भी हो जान पावे पतासे फिर भी मिठे ही रहते। वाह, छोटे छोटे कर देना उसको क्या और मीठे रहने हैं। ये पंजाबी कल्चर इतना मीठा है कि खींच लेगा, इसमें मकनातीसी ताकत है। और जो जो यहाँ पे पैदा हुआ है ना, हो सकता है पहली दफा दूसरी दफा उसको इतना अट्रैक्ट ना करे, तो चार दफा वो देखेगा ना माइल होगा, मुड़ेगा माइल। बिल्कुल ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है जैसे जैसे ये हमारे सारे रेशों को जिल्द ने डांपा हुआ है ना, ऐसे ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हमारे खून के अंदर है, हमारे जीन्स के अंदर जो चीज शामिल है उसको तो नहीं निकाला जा सकता। कबड्डी हमने देखा पंजाब में, यहाँ पे कबड्डी खत्म हो गया था तकरीबन, फिर 2008 में कबड्डी की प्रमोशन शुरू हुई है, 9-10 के बाद जब वर्ल्ड कप शुरू हुए हैं, तो अब पंजाब में बड़े बड़े शहरों में कबड्डी की टीम्स हैं और कबड्डी के मेले सजते हैं, बाकायदा तौर पे कबड्डी के टूर्नामेंट्स होते हैं, अभी भी होते हैं। तो अगर तो आपने इस तरह की कोशिश की तो ये तो पंजाब के लिए, पंजाब के कल्चर के लिए बड़ा खुश आए। तो बताऊं आपको कि हमारे उधर लोग बड़े बड़े इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में सेट हैं, बड़ी अंग्रेजी बोलते हैं और बड़े लोग बैठे होते हैं, फिर बातें करते करते दरम्यान में आहो कह देते हैं तो पंजाबी आ जाती है, पंजाबी पंजाबी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंग्लिश सारी बोल रहे हैं साथ में कहेंगे आहो, मैं कहता हूँ यार चाचा आ गई यार मजा आ गया आपने आहो कह दिया। तो मसला ये है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है आप कहना कि यार पंजाबी, वो एक वक्त गुजर गया कि जब माएँ कहती थी कि भाई पंजाबी ना बोलो ये ना करो। मैं समझता हूँ कि माएँ माओं को रोल तो अदा करना है, उनको बताना चाहिए कि दूसरी जुबानें बोलें पंजाबी पे ख़ास तवज्जो दें, लेकिन जो है ना ये पंजाबी आनी है, जो यहाँ रहता है उसको आएगी, उसकी एक अपनी कशिश होगी इसमें। मैं बताता हूँ कि मैं कितनी दफ़ा कितने कंट्रीज़ में गया हूँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे गोरे पंजाबी के लफ्ज़ बोलते हैं। अच्छा, अगर आप कहेंगे मैं कभी आपको शेयर करूँगा, वो बोलते हैं अच्छा चल फिर, अच्छा का चासा गई, एकदम इस तरह के लफ्ज बोलते हैं, फिल्मदी बोलते हैं। नहीं नहीं, वो पाकिस्तानियों के मतलब साथ रहते हैं बोलो बोल बोल के। तो मैं कहता हूँ पंजाबी अपना रंग छोड़ता है बिल्कुल, जहाँ पे जाता है ना वो एक ऐसा स्पंज है कि जिसने कुछ ना कुछ उधर जो है ना ये डिलीवर कर जाना है, डिलीवर कर जा, मोहब्बत है पंजाबी जो है इसमें एक जुड़त है खास किस्म का ना, एक जैसे प्यार होता है पंजाबी खुद एक प्यार है, जुड़त से भी आगे है। जॉइंट के अंदर एक होती है कार्टिलेज, कार्टिलेज होती है, ये कार्टिलेज है जो उसको जॉइंट को मूवमेंट में मदद देती है, ये कार्टिलेज का काम करता है। मतलब आपके कहने का यहाँ पे ये है कि पंजाबी जो है ये एक लिंक है, वर्ल्ड को जोड़ के रखा है इसने वर्ल्ड के। सर लंदन में साउथ हॉल स्टेशन के ऊपर पंजाबी में लिखा, गुरमुखी में लिखा है लेकिन पंजाबी है तो पंजाबी ना। लेकिन मैं अभी स्पेन में बार्सिलोना में मैंने देखा पंजाबी में अनाउंसमेंट मेट्रो में हो रही है, उर्दू में और पंजाबी में, दो जुबानों में हो रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम मेट्रो में बैठे हैं जी, बार्सिलोना की मेट्रो है उसमें वो कह रहे हैं जी के अगला स्टाफ अच्छा एल क्लोट है, तो बंदा खुश हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जी, मतलब पंजाबी में अभी शुरू किया है, उर्दू पंजाबी रशियन
फ्रेंच, जर्मन, ये सारी जुबानों में स्टाफ का अनाउंस करते हैं। ये क्या ये बात है, ये मेरे नॉलेज में कोई एक नई बात आ गई। जी, आपको हम इसकी वीडियो शेयर करेंगे। ये बड़ा अच्छा होगा अगर आप इसकी वीडियो भी शेयर करेंगे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि जैसे आपने बताया तो अगला स्टाफ लाए। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। बल्कि लंदन में भी है, जब साउथ हॉल आता है तो वो पंजाबी में अनाउंस करते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे पंजाबी में अनाउंसमेंट करते हैं, ये बड़ा खूबसूरत है। खैर, बात जो है वो कहाँ से शुरू हुई है, किधर को निकल गई है, हम तो अदबी मेले के बारे में बात कर रहे थे। अदबी मेला जो है उसका पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन चल रहा है, लोग जो है यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं, उनको वेलकम की टीम जो है वो बाहर खड़ी है, ये तो सब कुछ ठीक है। आने वाले जो बाकी के चार दिन अदबी मेले के, उनके बारे में आपकी क्या राय है, इसी तरह ये लोगों का जोश जो है वो मौजूद होगा? मैं समझता हूँ हमने सारे इसमें सारे मसाले डाले हुए हैं। अच्छा, कल का अवार्ड का था, जो लोग पजीराई देना चाहते थे, जिनको इन लोगों से प्यार था, जिनको फैसलाबाद से प्यार था, वो सब छोड़ छाड़ के आए। बिल्कुल, तो जिनसे मिस हुआ है या तो उनकी कोई मजबूरी थी या फिर कोई और मजबूरी थी। अच्छा, ये आप एक दूसरा फिर यह है कि आगे जो किताबों की रूनमाइयां आ रही है, एक हमने उर्दू की रखी है, एक पंजाबी की रखी जी। उसमें ये वैरायटी दी है हमने कि उसमें मुशायरा भी रख दिया छोटा सा, ताकि साथ में लोगों की अट्रैक्शन रहे। बिल्कुल, तो और पंजाबी मुशायरा ग्रैंड है। म्यूजिक में हम इंशाल्लाह शाम गजल को ज्यादा जगह देंगे, उसमें गजलियात ज्यादा होंगी। हाँ जी, ये जो शाम गजल है उसमें गजलियाँ ज्यादा होंगी, और उससे पहले आपकी दो मुख्तलिफ किताबों की तकरीबन रुनमाई है, जिनमें एक पंजाबी है एक उर्दू है, ये बात जो है। इसके अलावा जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, मौसम की भी शिद्दत है, सर्दी बहुत ज्यादा है, किसी ने कोई इस बारे में शिकवा किया हो? देखिये, ये असर तो है ना, कुछ लोग सर्दी की वजह से नहीं आए, खासकर जो थोड़े सीनियर हजरात हैं उनको प्रॉब्लम हुई कि जी बाहर सर्दी है नहीं आए। लेकिन मैं समझता हूँ सर्दी का क्या होता है, सर्दियाँ हमारे तो इंग्लैंड में हमारे 20 घंटे बारिश होती है। बिल्कुल, हम तो नहीं रुकते, हम तो बाज नहीं आते, हम तो निकल पड़ते हैं। ये जिसने करना है जज्बों पे डिपेंड करता है। पीबीए का काफिला जो है ये नहीं रुकता, 20 घंटे बारिश हो तो भी नहीं रुकता, बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप हो तो भी नहीं रुकता। पाक ब्रिटिश आर्ट्स जो है और उनके साथ हम कदम लोग जो है वो चलते रहते हैं, और लगातार उनका सफर जो है वो जारी रहता है। इस बारे में गुफ्तगू चल रही है हमारी डॉक्टर यूनस अमीन शेख साहब से, जो के फाउंडर हैं पाक ब्रिटिश आर्ट्स के। मुझे पाक ब्रिटिश आर्ट्स के बारे में जानना जो है, और चूंकि मैं पाक ब्रिटिश आर्ट्स के साथ मुंसलिक हूँ शुरू से, और मुझे अच्छा भी लगता है। इसके अलावा मैं ये भी पसंद करता हूँ कि इसके साथ मजीद लोगों को जोड़ा जाए, मजीद लोगों का ताल्लुक कायम हो। अभी यूथ के हवाले से आपके क्या प्रोग्राम्स हैं आने वाले दौर में? जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम सीनियर्स को एडमायर कर रहे हैं जी, इसी तरह यूथ को आगे लाना है। बिल्कुल, ये नए बच्चे बच्चियों को आगे लाना है, उनको मौके फराहम कर रहे हैं जी, उनको ये हमने एहसास दिलवाना है कि भाई आपने आगे लेके चलना है, सारी बागडोर आपके हाथ में है, हमारे ये नौजवान नस्ल ने करना है, इन बच्चों ने करना है। तो इंशाल्लाह हम इस पे पूरे पूरा फोकस कर रहे हैं सर, ये इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो बातें बहुत सी रह जाती हैं, प्रोग्राम का दायरा जो है वो दोबारा से अपने इख्तिताम तक पहुंच जाता है, फिर इंशाल्लाह अगली मुलाकात में बाकी की जो बातें हैं वो करेंगे। तो हमारे साथ फाउंडर पीबीए डॉक्टर यूनस अमीन शेख साहब मौजूद हैं, बड़े सवाल, और जब तक आपके दिल में तशनगी ना हो, खलिश ना हो, दोबारा मिलने का मौका भी तो कहाँ नसीब होता है। हम किसी वजह से ही मिलते हैं, हालात जो हैं उन्होंने इस तरह से इंसान को घेरा होता है कि इंसान जो है वो किसी वजह से मिलता है, और ये वजह जो है इंशाल्लाह दोबारा मिलने पर मजबूर करेगी। अगले प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह बाकी की बातें पूछेंगे, और बाकी का जो पाक ब्रिटिश आर्ट्स का नज़रिया है, जो इसका फलसफा है, उसके बारे में बात करेंगे। पाक ब्रिटिश आर्ट्स का जो पीबीए वॉइस मैगजीन है उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी बड़े सवाल बाकी हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।